कोलकाता की लेडी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर के डॉक्टर्स में भी खासा आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें, सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने राजीव गांधी चौक पर कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। कैंडल मार्च में शामिल डॉक्टर्स ने बताया कि कोलकाता में लेडी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है, इसको लेकर हम सब डॉक्टर यहां एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च निकालकर सरकार से गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। हम लोग इतने सालों से हम लोग यहाँ इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि हम एक महिलाओं को स्ट्रेंथनिंग करेंगे, हम महिलाओं को इक्वालिटी देंगे, लेकिन आज भी देखिए एक डॉक्टर का पेशा इतना ऊंचा होने के बावजूद भी एक रेसिडेंट डॉक्टर, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने वाली थी वो लेडी डॉक्टर, उनके साथ ये हादसा होता है। ये सबसे हम लोग जो कि छोटे स्तरों पर काम करते हैं, गांव के स्तरों पर काम करते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी उतना स्ट्रेंथ हम लोग को नहीं मिल पाता, तो हम लोग सब उस बात से घबराए हुए हैं। और ये जो मामला सामने आया है जिसपे न्याय के लिए अभी तक हम लोग लड़ ही रहे हैं, कुछ आगे बातें क्लियर नहीं हो पा रही कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और इसी बीच में हम लोग कुछ महीनों पहले हमने अपने अस्पताल के लिए भी सेम डिमांड किया था कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। हमारे खुद के डॉक्टर के साथ ऐसा मारपीट का हादसा हुआ था और उस बीच में वो तो मेल डॉक्टर थे, और यहाँ पे महिलाओं के साथ जो कि शायद समाज में कमजोर तरीके से अभी तक गिनी जा रही हैं, उनके साथ ऐसा हादसा होने से हम उससे कैसे बचाएं। जेकर अस्पताल में जो भी हुआ है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ, उनके साथ रेप हुआ, हत्या हुआ, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पे विरोध करने आए हैं। और ना साथ में ही हमारे अस्पताल के सिक्योरिटी का भी डिमांड मतलब करते, क्योंकि हम लोग वो घटना से पूरे खेल तो डरे हुए हैं, तो हम लोग अपना ड्यूटी कैसे करेंगे, इसलिए हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा भी सिक्योरिटी का केवल अरेंजमेंट करें यहाँ के लिए, वाड्रफ नगर अस्पताल के लिए।